अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं डेजर्ट की रेसिपी जो देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इसके लिए मैंने लिए हैं नारियल वाले बिस्किट। आप चाहे तो कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। इसे मैं जार में डालकर इसका एक चूरा बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए, मैंने इसका चूरा बनाकर तैयार कर लिया है। चूरा हमें बारीक ही रखना है। इसके बाद हम लेंगे दूध। दूध हमें बिना पानी का ही लेना है। इसे मैं रख दूँगी गैस पर। गैस को भी मुझे ऑन नहीं करना है, क्योंकि मुझे इसमें 2 चम्मच चीनी डालकर और कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी, ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े। उसके बाद ही मैं गैस को ऑन करूंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके बाद मैंने गैस को ऑन करा है, तो आप देख सकते हैं मेरा जो दूध है वो कितना अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और इसकी एक गाढ़ी सी क्रीम बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी गाढ़ी है। आपको इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है। इसके बाद हम लेंगे क्रीम। क्रीम को मैंने अच्छे से व्हिप कर लिया है। आप चाहे तो बाज़ार की क्रीम ले सकते हैं या फिर घर पर भी दूध से क्रीम बना सकते हैं। मैंने ये अमूल की बाज़ार की क्रीम ली है। मैं इसे अच्छे से व्हिप करके गाढ़ी कर लूँगी। इसके बाद हम बनाएंगे डेजर्ट। मैंने डेकोरेशन के लिए लिए हैं ग्लास। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है बिस्किट का चूरा और मैंने जो दूध से मलाई बनाई थी उसकी मैं इस पर दूसरी लेयर लगा दूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसकी पतली सी लेयर लगा दी है। इसके बाद जो मैंने क्रीम बनाई थी उसकी मैं इसके ऊपर एक और लेयर लगा दूंगी। आप चाहे तो कोई सी भी लेयर कैसे भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने एक केला कट करके इसमें डाल दिया है। केला का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो और कोई भी फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है बिस्किट का चूरा और मैं दोबारा से इसमें क्रीम की लेयर लगा दूंगी। तो आप देख सकते हैं मेरा जो डेजर्ट है वो देखने में कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसके बाद मैं इसे बिस्किट और काजू और बादाम से थोड़ा डेकोरेट कर दूंगी, ताकि जो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्रीम बनाना डेजर्ट बनकर तैयार है, जो देखने में कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है और बहुत ही शानदार रेसिपी है। तो देखिए दोस्तों, मेरे डेजर्ट का फाइनल लुक। थैंक यू।